भोलेनाथ के कई प्राचीन मंदिर है जिनका इतिहास महाभारत और रामायण से जुड़ा हुआ है। इनमें से एक ऐसा ही शिव मंदिर उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, टपकेश्वर महादेव मंदिर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुज्जू इन वर्ल्ड। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। हेलो गाइस, बिच्छू पानी हमने देख लिया है और अभी हम जा रहे हैं टपकेश्वर महादेव टेम्पल, और टपकेश्वर महादेव टेम्पल के दर्शन करके वहाँ से हम जाएंगे बुद्धा टेम्पल। तो चलिए दोस्तों, आपको भी ले चलते हैं टपकेश्वर महादेव और बुद्धा टेम्पल। यहाँ से हमने एक टेम्पो हायर किया है और टेम्पो से अभी हम टपकेश्वर महादेव जा रहे हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पे और बस स्टेशन से 9 किलोमीटर की दूरी पे गढ़ीकैंट क्षेत्र में स्थित है और इसका निकटतम एयरपोर्ट जॉली ग्रांड एयरपोर्ट है जो 33 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको ऑटो, टैक्सी, बस या अपनी पर्सनल गाड़ी से आप पहुँच सकते हैं। यदि आप पर्सनल गाड़ी लेके यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ा पार्किंग बना हुआ है। मंदिर के प्रवेश द्वार के क्षेत्र में आपको प्रसादी, नारियल, फूल, दूध और ये सारी सामग्री आपको आसानी से मिल जाएगी। और इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको कुछ सीढ़ियाँ उतर कर मंदिर तक पहुँच सकते हैं। हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर गंगे। तो अभी हम फाइनली टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंच चुके हैं और अभी कुछ सीढ़ियां उतर के मंदिर पे पहुंच जाएंगे और हम भी दर्शन करेंगे, आपको भी करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं टपकेश्वर महादेव। मंदिर परिसर से पहले जूता और चप्पल रखने के लिए आपको स्टॉल मिल जाएगा जहां पर आप जूता रख सकते हैं। अभी हम मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं और मंदिर परिसर बहुत ही खूबसूरत है। मंदिर एक गुफा के अंदर स्थित है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले यहाँ पर भैरव जी का मंदिर स्थित है। तो दोस्तों, अब जानते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। माना जाता है कि श्री द्रोणाचार्य जी ने इसी गुफा के अंदर तपस्या की थी, जिसकी वजह से इस गुफा को द्रोण गुफा के नाम से भी जाना जाता है। यह जगह भोलेनाथ को समर्पित गुफा मंदिर है। इसका मुख्य गर्भगृह एक गुफा के अंदर है। इस गुफा में शिवलिंग पर पानी की बूंदें लगातार टपकती रहती है, इसी के कारण शिवजी के इस मंदिर का नाम टपकेश्वर महादेव मंदिर पड़ा है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शिवलिंग के ऊपर गाय के थन जैसी चट्टान दिख रही है, जिससे पहले दूध की बूंदें टपकती थी, लेकिन जैसे जैसे कलयुग आया तो दूध की बूंदें जल में परिवर्तित हो गई और इसे दूधेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गुरु द्रोणाचार्य ने इसी गुफा के अंदर 12 साल तक भोलेनाथ की तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और गुरु द्रोणाचार्य के अनुरोध पर ही भगवान शिव यहाँ पर लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इसी गुफा के अंदर गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा पैदा हुए थे। इसी जगह को द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की जन्मस्थली और तपस्थली माना गया है। इसी स्थान पर अश्वत्थामा ने भगवान शिव जी की तपस्या की थी और ये भी माना जाता है कि इसी स्थान पर अश्वत्थामा को अमरता का वरदान मिला था। यह मंदिर तमसा नदी के किनारे स्थित है और इसे टांस नदी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर से बाहर निकलते ही नदी के उस पार और भी दो मंदिर हैं जहाँ पे माता वैष्णो देवी की गुफा स्थित है। नदी के उस पार जाने के लिए यहाँ पे एक लोहे का ब्रिज बना हुआ है, तो ब्रिज से चढ़ के हम उस साइड चलेंगे। बंद कर दीजिए।
तो यहाँ पे एक गुफा बनी हुई है, तो वैष्णो देवी की गुफा है यहाँ पे। तो अभी हम जाएंगे और वैष्णो देवी में गुफा में वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे पीछे। चलिए दोस्तों चलते हैं वैष्णो देवी गुफा के अंदर। तो दोस्तों गुफा के अंदर होते हुए हम माता रानी के दरबार तक पहुंच जाएंगे। माता रानी के दर्शन करके अभी हम बाहर आ चुके हैं गुफा के, और अभी टपकेश्वर महादेव से बाहर निकल रहे हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ले चलेंगे देहरादून के खूबसूरत टेंपल बुद्धा टेंपल पे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। और जो दोस्त लोग मेरे चैनल पे पहली बार हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना न भूले, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।